नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विजयपुर जिले के आलमट्टी डैम के पास जंगल में शॉर्ट सर्किट होने से वन क्षेत्र में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों से आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत की जा रही है। वहीं आग की चपेट में आने से बड़ी संख्या में पेड़ जलकर नष्ट हुए। जंगल में नीम, आम, काजू और आला सहित कई प्रजातियों के पेड़ लगाए गए थे, जो आग में जलकर खाक हो गए। कोलार जिले में संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बांगरपेट तालुक में मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए नगर पालिका और पुलिस नियमों में सख्ती बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने भी कोरोना जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। इसके तहत शहर के चौक चौराहों में एसपी वेंकटेश माइक के माध्यम से लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश भी दे रहे हैं। बांगरपेट के रहने वाले वेंकटेश सुबह से भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को जागरूक करते हैं। ಏನಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ಏನ್ ಬಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಗಾಬರ, ಬರೀ ಆತಂಕ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ಒಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆತಂಕ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವಿರಿ ಅನ್ನೋದು. पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में मतगणना से पहले चंदन नगर कन्हैयालाल विद्या मंदिर पर मतगणना केंद्र के तस्वीर को भी गाइडलाइन के नियमों को ध्यान में रखते हुए मतगणना केंद्र के बाहर कर्मचारी, उम्मीदवार और पत्रकारों को बारी बारी से कोविड 19 की रिपोर्ट देखने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क के चेकिंग के बाद मतगणना केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। मतगणना के दौरान केंद्र के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। चिकमंगलूर में 14 दिनों के कर्फ्यू के बाद भी लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में कर्फ्यू की पाबंदी के बाद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए पुलिस सड़कों पर घूमने वालों पर जुर्माना लगा रही है। एपीएमसी बाजार में सब्जी व्यापार करने वालों के पास भी दिनभर भीड़ नजर आ रही है, ऐसे लोगों पर भी पुलिस जुर्माना लगा रही है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के कोपर गांव तहसील में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर परिषद की तरफ से शहर के 8 रास्तों को बंद कर दिया गया है। नागरिकों से बार बार घरों में रहने की अपील करने के बावजूद भी कुछ लोग बिना काम के गाड़ियों से घूम रहे हैं। इधर पुलिस प्रशासन और नगर परिषद ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 8 रास्तों को बंद कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि रास्ते बंद करने से बिना काम से घूमने वालों पर लगाम लगाई जा सकती है और इसी को लेकर रास्ते बंद किए गए हैं। ये तरफ से जो 8 दिन का जनता का व्यू अलाइन किए गए, उस हिसाब से लोगों का आवक जाव नियंत्रण करने के लिए जगह जगह पे बैरिकेडिंग किया गया है। लोगों को हमारा आह्वान रहेगा कि आप इमरजेंसी अगर कुछ काम होगा तभी घर से बाहर निकले। बैरिकेडिंग का मतलब यह है कि जो मेन प्रवाह है बाहर से आने लोग हैं, कम से कम लोगों के आवाजाही, इसकी वजह से कोरोना का जहां लोगों के साथ में जो इन्फेक्शन होता है वो कंट्रोल हो जाए। औरंगाबाद में महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट के शिक्षकों और संस्था के चालकों ने आंदोलन कर दिया, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान स्कूल ट्रस्ट के शिक्षक और संस्था के चालक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर अंग्रेजी स्कूलों की मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वे राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे। अंग्रेजी स्कूल के शिक्षक जो है एक साल से भूखे हैं, एक साल से उनके घर में उपासमारी चल रही है, इसीलिए हम ये आंदोलन पूरे राज्य भर कर रहे हैं। ऊपर से 4 साल से हमको आज तक वो संजय ताइडे पाटिल मेस्ता के अध्यक्ष और शहराध्यक्ष राजू नगरकर और उनके दो साथी, उनको हमने अरेस्ट किया है, पुलिस स्टेशन लाए हैं और पुलिस स्टेशन ला के अभी 188 आईपीसी की अंतर्गत और दूसरी धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने वाली कानून कार्रवाई करने वाली। कनक के चकबल्लापुर में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ने से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इधर कोरोना कर्फ्यू से मजदूरों को रोजगार की परेशानी सताने लगी है। श्रमिक दिवस पर लोगों ने सरकार से पैकेज देने की घोषणा की है। इसी के साथ तेमकल्ला पल्ली गांव में लोगों को मास्क वितरण किए गए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई।
धारवाड़ में झंकार कल्चरल एसोसिएशन कोरोना संक्रमण के दौरान कलाकारों को दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की मदद कर रहा है। सांस्कृतिक संघ के सचिव यमनप्पा नेटवर्कर के नेतृत्व में भोजन किट वितरित किए गए। संगीत उद्योग थिएटर के बहुत सारे लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार और विभिन्न संगठनों से आगे आने की अपील की है। कलाविदरिगेल्लरिगू बहळ तोंदरे आगैति इंत संदर्भदोळग नम सरकार ऐनू माडलिल्ल आदरे नम संघ संस्थेयवरु बंदु नमगे एनंद्रे ओंदु सहायद हस्तवन्न तोरिदारे याकंद्रे बदुकुवंत ओंदु दारि ओळग स्वल्प ऐनू ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಲಗರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. कर्नाटक के बेलगम में अन्य शहरों की तरह 14 दिनों का जनता कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन की सख्ती नहीं होने पर लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। सब्जी वालों और किराना दुकानदारों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ओर से लगातार कोविड नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। कर्नाटक के विजयपुर इलाके के नालवतवाड़ गांव में एक मगरमच्छ के आने से गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि मगरमच्छ के आने की खबर वन विभाग को दी गई। इधर वन विभाग और पुलिस की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू करते हुए उसे पकड़ लिया। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ने के बाद उसे कृष्णा नदी में छोड़ दिया है।